Hey, so welcome back to my YouTube channel. So guys, अगर कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं आप लोग तो गाइज आपको पूरी एडिटिंग इस तरीके की बताने वाला हूँ कि इस तरीके आप कैसे कर सकते हैं वो भी कुछ ही मिनटों में एकदम सिंपल ट्रिक के साथ. तो बने रहिए इस वीडियो में एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं स्किप मत करना है गाइज. अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको. तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ. सो गाइस, तो सबसे पहले हमको पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है जिसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फटाफट आ जाते हैं आप पिक्सआर्ट में. तो सिंपली अपने तो मेरा मॉडल रहा ये और मैं इसको बाद आपको पूरा करके दिखाता हूँ. जो पहली फ़ोटो कुछ इस तरीके की थी और इसको अब हमें उस तरीके एडिट करना है तो सिंपली हमको जाना है सबसे पहले ड्रॉ टूल पे. तो सिंपली ड्रॉ टूल पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम ये ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड स्क्वायर को चुनेंगे और उसके बाद उसको पूरा कर लेना एंड कलर जो है उसका वाइट कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से. और उसके बाद जहाँ पे आपको सेट करना है वहाँ पे स्क्रॉल करके उसको छोड़ देना है. सो गाइस सिंपली उसको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं. अब अगर आपको इतना ही रखना है तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन पे फिर उसी तरीके से करना है एंड छोड़ देना है तो कुछ इस तरीके से सेट कर लेगा. तो गाइज आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है इस फोटो को सिंपली सेव कर लेना है. गाइज सेव होने के बाद अब हमें चले जाना है सिंपली टूल्स में. टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड उसके बाद जाएंगे एडजस्ट में. उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सेचुरेशन. गाइस सेचुरेशन को एकदम डाउन कर देना है एंड उसके बाद हमको चले जाना है इरेजर वाले ऑप्शन पे. गाइस जब इरेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो जितना पार्ट हमें अंदर का है उसको हमें इरेज कर देना है तो पहले की तरीके हो जाएगा. तो सिंपली हम कर लेते हैं फटाफट से इरेज. सो गाइस तो इरेज हो जाने के बाद जितना इसका साइड का पार्ट अगर बच गया है जो कि बाहर निकल गया है तो हम उसको फिर से उसी तरह कर देंगे ब्रश वाले टूल से. तो इस तरीके से कुछ हम उसको कर डालेंगे, फटाफट से कर लेते हैं एंड आगे देखते हैं. सो गाइस तो अब इसको कर लेते हैं हम सेव एंड फिर आप देख सकते हैं पहले कैसे था एंड आप कैसे होगा. तो कुछ जिस तरीके से आपको कर लेना है एंड ज़रा से इसका बाकी तो मैं उसको फिर से क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो फिर आपको बताते हैं कि आगे अब क्या करना है. एकदम सिंपल ट्रिक है गाइस, आपको अब चले जाना है सीधा कुछ इस तरीके से. आप देख रहे हैं पहले कैसे था और आप कैसे, तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधा टेम्परेचर वाले ऑप्शन एंड इसका टेम्परेचर जो है आपको एकदम डाउन कर देना है. वही समथिंग आपको कर देना है 50 के अराउंड, 56 कर देना है. उसके बाद आप देखिए शेडो में चले जाइए एंड उसकी शेडो भी जो है उसको भी आप थोड़ा सा डाउन करेंगे -6 एंड हाईलाइट्स में जाएंगे तो गाइज हाईलाइट्स को भी हल्का सा डाउन करेंगे तो एक अलग सा लुक आएगा. गाइज इसके बाद हम हाईलाइट्स को भी 24 डाउन कर दिया एंड ब्राइटनेस पे जाएंगे, ब्राइटनेस को भी हल्का सा डाउन करेंगे एंड डन आप इसको सेव कर लीजिए. गाइज कुछ इस तरीके से फोटो आपको देखने को मिल जाएगी. गाइज ये जो फोटो है वो बिफ़ोर कैसी थी एंड आफ्टर कैसी हो गई तो आप देख सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर. तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी एंड सिंपली हम जाएंगे ड्रॉ वाले टूल पे फिर से एंड इसको सेव करेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी में सेव हो. तो फिर से इसमें हल्का सा एक पिंच दे देते हैं एंड उसके बाद हम सिंपली इसको जाएंगे ऊपर और सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे एंड उसके बाद हम जाएंगे इसको कर लेंगे मर्ज. उसके बाद ये 3 डॉट हो गए सेव. एंड आप अगर आप चैनल पर नए यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.